बैलेंस करने के लिए लगाया जाता है। अच्छा, योग मतलब कुछ मेटल पार्ट है, मेटल का है? हाँ, मेटल पार्ट है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं फर्नेस के बारे में। इंडक्शन फर्नेस में क्या क्या पार्ट होते हैं, तो आप देख सकते हैं अंदर जो ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है वो मॉल्टन मेटल है, मॉल्टन मेटल यानी पिघला हुआ लोहा। सेकंड जो नंबर दिखा रहा है वो रिफैक्ट्री है, क्रूसिबल यानी इंटरनल वॉल्स फर्नेस की, जिसको हम क्रूसिबल भी बोलते हैं। थर्ड हीट इंसुलेटिंग लेयर है जो ग्रीन कलर की दिख रही है। फोर्थ जो है वो परमानेंट लाइनिंग है एम्बेडेड सिस्टम्स की। फिफ्थ पावर कॉइल है जो कि ऑरेंज ऑरेंज दिख रही है। फाइव है कूलिंग कॉइल। सिक्स फर्नेस टॉप। सिक्स जो है पोरिंग स्पाउट है जिससे हम लो मॉल्टन मेटल को लैडल में भरते हैं, या क्लीन करना हो तो उससे हम मॉल्टन मेटल को ड्रेन करते हैं। सेवन जो है योक है फ्रेम का, लाइक वो फ्रेम को पकड़ के रखता है। नाइन जैसे केज है वो अपर मोस्ट पार्ट है जो कि पूरा सपोर्ट देता है स्ट्रक्चर को। ये दूसरा मैंने डायग्राम समझाने के लिए डाला है, और ये एक और है अगर अच्छे से समझना चाहें तो। जो हमारे सामने दिख रहा है वो खाली लैडल है और एक ये भरा हुआ लैडल, और लैडल बेसिकली यूज़ होता है फर्नेस को खाली करने के लिए। मॉल्टन मेटल जो है अपन लैडल में खाली करते हैं, और ये आप सामने देख रहे हैं वो एक टेम्प्रेरी मैग्नेट है जो कि स्पॉन्ज आयरन को फर्नेस में डालने के लिए लेके जा रहा है। और हम फर्नेस के बारे में थोड़ा और जानेंगे, लाइक उसमें क्या क्या मटेरियल डलते हैं। उसमें स्क्रैप डलता है, कुछ स्पॉन्ज आयरन डलता है, पिग आयरन डलता है, और भी बहुत सारी फर्नेस वाले कोटिंग होती है। फिर उसके बाद जब उसको ऑन करते हैं तो सारी चीज़ें डलती हैं, और बेसिकली रॉ मटेरियल को डालने के लिए टेम्प्रेरी मैग्नेट या फिर कन्वेयर बेल्ट का यूज़ होता है। देख सकते हैं वहाँ से एक कन्वेयर लाइन है जो पाइप के थ्रू यहाँ स्पॉन्ज आयरन डाल रही है, और बारी मैन रहते हैं जो लाइक एक बारी टाइप का रहता है उससे फर्नेस में चलाते रहते हैं, लाइक ऊपर जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालते रहते हैं वो लोग। लाइक मेटल में जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो ऊपर की सतह में आ जाती है, ऊपर की लेयर में आ जाती है, जिसको हम स्लैग बोलते हैं, उस स्लैग को निकालते हैं। उसमें कुछ चाहिए, मैं आपको ले सकता हूँ फर्नेस में SMS स्टील मेल्टिंग शॉप। ये रहा स्क्रैप जो ये ऊपर क्रेन से लेके जा रहे हैं भट्टी में डालने के लिए। चलिए इसके अंदर का प्रोसेसिंग और जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं देखते हैं। ये रहा ट्रांसफार्मर, ये यहाँ का पैनल रूम।
डीसी चौक जो हम सामने देख रहे हैं, दो तो बड़ी बड़ी चीजें दिख रही है। जब वो हाइड्रोलिक सिस्टम ऑन होता है तो आप देख सकते हैं फर्नेस कैसे लिफ्ट हो गया है। और ये लिफ्ट जब होता है तो इसका जो सारा मॉल्टन मेटल जो अंदर है वो लेडल में भरने टाइम ही इसको लिफ्ट करते हैं, या फिर फर्नेस को जब क्लीन करना हो तभी करते हैं ऐसा। और ये था एमसीसी पैनल्स, सारे इक्विपमेंट्स जो हैं इलेक्ट्रोथर्म के हैं। और ये जो है लोड मैनेजर है इलेक्ट्रोथर्म का, लाइक कितना हम लोड ले रहे हैं, कितना पावर प्लांट से आ रहा है और कौन सी भट्टी में कितना जा रहा है। गाइज ये जो पंप दिख रहा है ये डीमिनरलाइज वाटर को भट्टी में, लाइक उसकी जो पाइपिंग होता है उसमें पंप करता है। और ये 28 कॉइल्स, अलग अलग कॉइल्स होती हैं, उसमें पूरा फ्लो होता है ये वाटर, डीमिनरलाइज वाटर। और रॉ वाटर का भी यूज़ होता है इसमें, लेकिन डीमिनरलाइज वाटर बहुत ज़रूरी है। आप अगर डीमिनरलाइज वाटर नहीं जानते हैं तो आई बटन में क्लिक करके आप देख सकते हैं, मेरा एक वीडियो है डीमिनरलाइज वाटर के ऊपर। इधर भी वही सेम कैपेसिटर और सेंसर दिख रहे हैं मेरे को। फ्रेम को क्या बोलते हैं, ये भी योग का पार्ट है क्या? हाँ योग का ही पार्ट है, फिर सिर्फ ये जो फ्रेम है ना वो योग के साथ कपल है। अच्छा, तो फ्रेम को कुछ और नहीं बोलते, नहीं। पूरे को ही योग बोलते हैं। हाँ, योग मतलब ये वाला पार्ट। अच्छा, वो ब्लैक वाला पार्ट है ना वो। हाँ, मटेरियल क्या है वो, मेटल है, रबर रबर टाइप का दिखे, मेटल है ना, मेटल। और ये योग में जो इनलेट जा रहा है पाइपिंग का है क्या है, क्या है इधर ही जो कॉपर का कॉइल है ना, कॉपर के कॉइल में हर थोड़े थोड़े दूर में ना हर तीन कॉइल के बाद इनलेट दिया है, आउटलेट दिया है वाटर। अच्छा। का जो क्या करता है सर्कुलेट करता है उस तीन चार टन पे। अच्छा, टन पर ना ग्राउंड। तो यानी ये जो अंदर जा रहा है ये तीन टर्न के बाद आउटलेट है इसका। हाँ ठीक, अब ऐसे ही हर उसमें थोड़ा ऊपर जाएंगे तीन, फिर ऊपर तीन, फिर ऊपर तीन, और वो आपको ना इधर कहीं पर से देखने को मिल जाएगा। और ये इसका हेडर है जिसमें सारे पाइप जाते हैं, मोटर का ना सेंसर है। अच्छा, ये सब ये इनलेट वाला है। हाँ, आउटलेट भी होगा इस तरफ होगा। ठीक, योग होल्ड करके रख। अच्छा, ठीक है। और क्या बताओ इसमें? वो यानी स्टेनलेस स्टील का जो पाइपिंग है उसमें भी ऐसे ही वाटर सर्कुलेट होता है। हाँ, वाटर सर्कुलेशन। तो ये क्या अपना नॉर्मल पानी रहता है कि कुछ केमिकल मिक्स्ड वाला? केमिकल वाला रहता है। अच्छा।
अच्छा दो तीन टाइप का आता है, एक रॉ वाटर है, एक डीएम वाटर है। अच्छा, जैसे बॉयलर में हम लोग डीएम वाला यूज करते हैं। तो हर तीन कॉइल नीचे की जो पूरी पूरा जो ये है कॉपर का है, कितनी 24 48 कॉइल 28 कॉइल्स है नीचे से ऊपर तक के। कितने टन वाली है अपनी टर्न, मतलब ऐसा टन कैपेसिटी 20। 20 टन वाली भट्टी में 28 कॉइल है कॉपर की और चार नीचे हैं एसएस की। ठीक, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।